नंबर देखते हैं, फोर नंबर देखिए क्या हो जाएगा, वाई एन इक्वल टू में नाइन माइनस का फाइव एन, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो नाइन माइनस का फाइव इंटू में वन, नाइन माइनस फाइव फोर हो जाएगा। वाई टू की बात करेंगे तो नाइन माइनस का फाइव इंटू में टू, तो नाइन माइनस का टेन यानी कि माइनस का वन हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो यह y2 माइनस का y1 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस वन माइनस फोर, तो माइनस का फाइव हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, कॉमन डिफरेंस आ गया ना, अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 15 कह रहा है ना जी, हर एक क्वेश्चन के लिए वही दिया था। तो हम लोग एस एन इक्वल टू फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर टू इंटू में वाई वन प्लस एन माइनस वन इंटू में टू, फर्स्ट टर्म इसमें वाई वन है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। एन बाई टू यानी कि हो जाएगा 15 बाई टू ब्रैकेट में टू इंटू में यहाँ फोर प्लस 15 माइनस वन इंटू में डी के प्लेस पर माइनस का फाइव, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 15 बाई टू ब्रैकेट के अंदर एट और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 14, 14 में फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 70, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो 15 बाई टू इंटू में यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 62, माइनस का 62, इससे काट सकते हैं 31, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करें तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 51, 45, 46, 465 माइनस का हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6